अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नायक को देखेगा 1,000 किलो 2,000 किलो छोड़ देता है, ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं। वो हिंदू हैं, उनका एक अपना कल्चर है, उनके लिए वो हिंदुओं के बारे में मशहूर, मैंने बचपन में सुना। उन्होंने इंडिया और इंडियन नॉन मुस्लिम्स यानी इंडिया में रहने वाले हिंदूज, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई वहां पर मेरे बारे में सोच भी नहीं सकता जो पाकिस्तान के अंदर मेरे साथ किया गया। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज अ मोमेंट ऑफ शेम। तो इससे तो कहीं अच्छे इंडिया वाले हैं, डॉक्टर जाकिर नायक अब कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं, उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है, वो टाइम उन पर आ गया है कि अब वो कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया अच्छा है या पाकिस्तान, क्योंकि 4 दिन के अंदर उनको ये पता चल गया कि भाई ये पाकिस्तान आके तो मैंने चंगा नहीं किया। एक बात आपको याद दिलाऊं, शहाबुद्दीन सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी भी पृथ्वीराज से तराइन की पहली जंग हार गया था। ये स्टेट गेस्ट की इज्जत की है पाकिस्तान में नाजिया जी, क्या कहना है। और पाकिस्तान में बैठ करके तारीफ करनी पड़ी उन्हें इंडिया की, कि इंडिया में जहां पे मेरे को परसीव किया जाता है एज एनिमी, वहां पे भी मेरे लिए इतना कर देते हैं। मैं तुम्हारा स्टेट गेस्ट हूं तो मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो। अब यूएई हमारे वीजे क्यों बंद करता है, यूएई हमारे वीजे क्यों बंद करता है, ठीक है, वो इसलिए बंद करता है ना कि वो उनको पता है यार ये हार्डकोर इस्लामिस्ट हैं, ये पाकिस्तान के बड़े मुखालिफ हो गए हैं, हर जगह खड़े होकर कहते हैं ये देखो ये कैसा मुल्क है, और इंडिया को कहते हैं वो देखो। अब की बार तो उन्होंने कहा, थोड़ा सा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो में बात हो रही है जाकिर नायक के बारे में। जाकिर नायक पाकिस्तान में गए हैं, अब पाकिस्तानी ही उनके पीछे पड़ गए, हालांकि इस वीडियो में उस तरीके की वीडियो को कवर नहीं किया जिसमें जाकिर नायक काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं पाकिस्तानी मुसलमानों को लेकर, और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ग्रुप जाकिर नायक के पीछे पड़ा है क्योंकि ये जो ऊल जलूल हरकतें करते हैं उस वजह से। अब यहाँ पर ये इंडिया को बेटर बता रहे हैं पाकिस्तान से, वीडियो में लास्ट में बात करेंगे। हालांकि इसमें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी एयरलाइंस ने कोई गलती की है, पहले पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं अभी डॉक्टर जाकिर नायक को पाकिस्तान आए हुए, और डॉक्टर जाकिर नायक पाकिस्तान से सख्त तरीन खफा हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं, और अब की बार तो उन्होंने PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को मतलब झिंडोड़ के रख दिया। उन्होंने कहा कि CEO ऑफ PIA उससे मेरी बात हुई, और उससे बात होने के बावजूद मेरे साथ जो किया गया तो इससे तो कहीं अच्छे इंडिया वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नायक अब कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं, उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है, वो टाइम उन पर आ गया है कि अब वो कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया अच्छा है या पाकिस्तान, क्योंकि 4 दिन के अंदर उनको ये पता चल गया कि भाई ये पाकिस्तान आके तो मैंने चंगा नहीं किया, ये जो मैं पाकिस्तान आ गया ना, इन्होंने तो ये इतने एक मतलब बदतमीज है, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि ये इतने बदतमीज है, ये बात क्या करें, वो कह रहे हैं ये भाई वो फेड अप हो चुके हैं पाकिस्तान से। उन्होंने इंडिया और इंडियन नॉन मुस्लिम्स यानी इंडिया में रहने वाले हिंदूज, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई वहां पर मेरे बारे में सोच भी नहीं सकता जो पाकिस्तान के अंदर मेरे साथ किया गया। वैसे किया ऐसे ही जा रहा है उनके साथ, जो कुछ हो रहा है। देखिए हमने तो आपको कहा था, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया डॉक्टर जाकिर नायक को बुलाकर पाकिस्तान ने, जरा डॉक्टर जाकिर नायक को भी लग पता गया है। अच्छा जी, पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये PIA का क्या मसला है, और सिर्फ मैं बताती नहीं हूँ बल्कि डॉक्टर जाकिर नायक खुद अभी आपको बताते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ सुनवाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है उनके अपनी आवाज में, और अपने आप गुनाहकार कानों से सुनिए कि वो कह क्या रहे हैं। सर ये मामला जो है ना उल्टा पड़ गया, ये डॉक्टर जाकिर नायक पे उल्टा पड़ा है कि पाकिस्तान पे उल्टा पड़ा है। उन्होंने तो पाकिस्तान के बड़े मुखालिफ हो गए हैं, हर जगह खड़े होकर कहते हैं ये देखो ये कैसा मुल्क है, और इंडिया को कहते हैं वो देखो। अब की बार तो उन्होंने कहा दिस इज इंडिया तारीफ करके, और पाकिस्तान के लिए कैसा देश है, मैं आपको बताती हूँ कैसा देश है, हुआ क्या। लेकिन पाकिस्तानी पूछ रहे हैं ये कैसा प्रीचर है, पाकिस्तानी पूछ रहे हैं ये कैसा स्कॉलर है, और जो जो कुछ उन्होंने कहा ना वो तो अभी आगे चल के हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले उनका कहना है था कि उनका लगेज जो है वो उसके ऊपर उनको वेव नहीं किया गया, अच्छा डिस्काउंट नहीं दिया गया। आई स्पोक टू द CEO ऑफ PIA, ही सेड वी कैन डू एनीथिंग फॉर यू डॉक्टर, 6 ऑफ अस वर ट्रैवलिंग, आई सेड वी हैड 500 और 600 किलोग्राम एक्स्ट्रा लगेज, ही सेड वी विल गिव यू 50% डिस्काउंट, आई सेड इफ यू वॉन्ट टू गिव गिव 100% डिस्काउंट, मुझे 100% डिस्काउंट चाहिए, 100% डिस्काउंट चाहिए, नहीं तो नहीं, बस खत्म तो खत्म। मैं जब
कुछ कह देता हूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, सलमान खान वाला टोन उन्होंने अपना लिया। उन्होंने कहा ये मैं कह रहा हूं और अब मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा, 100% नहीं तो नहीं, अदरवाइज फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा जी, इफ एनीवन सीज मी इन इंडिया इवन ए नॉन मुस्लिम विल लेट मी इन फॉर फ्री, दिस इज इंडिया ही एडेड। उन्होंने कहा इंडिया में कोई मुझे देख ले किसी एयरपोर्ट पे और उसे पता चले कि मेरे ये मतलब 400 बैग भी एक्स्ट्रा है, तो उन्होंने तो मुझे फ्री लेट इन करना। उन्होंने कहना कोई गल ही नहीं डॉक्टर साहब, कितने की गल कर रहे हो, तुसी पाकिस्तान चले गए हो, की करन गए हो, एथों भज के तो पाकिस्तान चले गए, ए तो कोई गल नहीं। लेकिन बहरहाल तो उन्होंने कहा कि ये जो है इंडिया वाले तो मुझे यूं हाथों हाथ लेंगे। सर वो तो हाथों हाथ उन्होंने निकाल दिया, आप कह रहे हैं हाथों हाथ लेंगे मुझे। अब देखिए मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको ये कहा था कि मुझे लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को ना पाकिस्तान की सिटीजनशिप चाहिए, पाकिस्तान में वो अब सेटल होना चाह रहे हैं, उनका दिल भर गया मलेशिया से, बस बहुत हो गया ना पाकिस्तान में, जरा थोड़ा सा ये देखिए कैसे नौजवान है, थोड़ा सा जरा लिबरल सेकुलर इस तरह की चीजें भी नजर आई जाती है मलेशिया में, तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा वैसे, मुझे पता नहीं मलेशिया का, मैं वैसे ही कह रही हूँ। तो सर हुआ ये, वैसे पाकिस्तान में सर वो भी बहुत है मुल्ला, और आपको पता है ना वो जब जमा हो जाए तो फिर अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे वापस जाओ भेजो, मुझे वापस भेजो, वो इंडिया वापस आना चाह रही, मैं आपको बोल रही हूँ अब की बार मुझे ये लग रहा है। अच्छा अब जो है ये उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये है पाकिस्तान में स्टेट ऑफ अफेयर्स, ऑन माय वीजा इट सेज दैट आई एम ए स्टेट गेस्ट, मैं स्टेट गेस्ट हूँ पाकिस्तान का, एंड द सीईओ ऑफ पीआईए सेज वी विल गिव यू 50% डिस्काउंट जाकिर, हम तुम्हें आधा डिस्काउंट दे सकता है भाई, लेना है तो ले, और वो भी हम तुम्हारी वजह से कर रहे हैं, दे आर चार्जिंग सो हाई, I felt so sad that Dr. Zakir Naik is coming to the country. I don't want your discount. Zakir Naik साहब को पता नहीं चल रहा, अब वो कह रहे मैं इंडिया की तारीफ कर दी तो अब तो मोदी की बुराई करनी पड़नी हो, वो पाकिस्तानी कहेंगे मुझे अभी अभी के अभी जो है मुझे कॉल आनी है, हाँ जी एक्यूर है हमने आपको बुलाया है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में आकर आप तारीफ कर रहे हैं इंडिया की मोदी की, फौरी तौर पर मोदी साहब की बदतारीफी करें, नहीं तो चलते फिरते हैं जरा यहाँ से। मुझे लगता है उन्हें ये याद आ गया कि भाई ये तो बहुत जरूरी है अब कुछ। अच्छा साथ ही तारीफ करते, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी, पाकिस्तानी एयरलाइंस ने जाकिर नायक के द्वारा एक्स्ट्रा लगेज के एक्स्ट्रा चार्ज मांगे, तो जाकिर नायक सीधा सीधा इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा है, इसने बता दिया कि ये मुंबई का किसी चौल का भिखारी, जो कि एक एक्स्ट्रा बोलने की तकनीक, मतलब सीरियसली ये ऐसा है ये बंदा, ये इसके पास एक ट्रिक है बोलने की, और इसने कुरान को पढ़ा है और उसे फिर अपने तरीके से कोट करता है, दूसरे रिलीजन बुक से कंपेयर करता है और एक रट्टा मारता है। कई बार वो रट्टे, कई बार लोगों ने बोला है कि ये चैप्टर चैप्टर बोलता है, कई बार वो गलत भी होते हैं, बट ऑब्वियसली कोई इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हुए आ रहा है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है, तो फिर वो लोगों को अपने बातों से डेफिनेटली अपने बस में कर लेता है। तो जाकिर नायक यार आप इतने बड़े आदमी हो गए, डेफिनेटली आपके पास इतना पैसा होगा, तो ये बात आपको डेफिनेटली नहीं बोलनी चाहिए थी, आपको प्यार से पे कर देना चाहिए था, है ना, प्यार से पे कर देना चाहिए था। अगर पाकिस्तानी एयरलाइंस पैसे मांग रही तो पे कर देने चाहिए था, जो रूल्स है रूल्स को फॉलो करो आप, इसमें कोई आप दादागिरी थोड़ी ना दिखा सकते हो कि आप मुंबई के मतलब कोई बहुत बड़े डॉन हो तो आप पाकिस्तान एयरलाइंस का पैसा नहीं देना चाहते। ऑब्वियसली कोई भी हो यार उसको दादागिरी नहीं दिखानी चाहिए, उसको सीधे अपने पैसे पे करने चाहिए एक्स्ट्रा लगेज के। आप किसी भी फील्ड में हो, जैसे अगर आप बस में जा रहे हो, बस में आपके पास एक लिमिटेड सामान है, जो बस के आप सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार रही, जहाँ लिखता है वो वहाँ पर रख सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो बस के ऊपर जाएगा, या बस के नीचे बड़े बड़े बॉक्स बने रहते हैं जो साइड में, वहाँ पे जाएगा, उसके अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली आप दो, सीधी सी बात है, बट ठीक है इट्स ओके। बट जाकिर नायक ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, उसके लिए अलग से एक घंटे का वीडियो बनाए तो पता चल जाएगा। इससे कई मुस्लिम महिलाएं पूछ रही हैं कि यहाँ पर काफ़ी इस्लामिक लोग रहते हैं, ये है वो है, उसके बाद वो वुमेंस को हैरेस करते हैं, छोटे मेल्स बच्चों को हैरेस करते हैं, तो वो किस तरीके के इस्लामिक है। इस तरीके के जवाब जाकिर नायक के द्वारा दिए हैं, इनके इतने उल जलूल हैं कि उसको पता चल जाता है कि यार ये
मतलब जो बातें करने आया है ना वो सीरियसली बेवकूफ़ है। पाकिस्तान में कुछ क्रिश्चियनों को, कुछ हिंदुओं को जाकिर नायक से प्रश्न कराए जा रहे हैं और उनको फिर इस्लाम भी कबूल कराया जा रहा है, जैसा कि ये बहुत लंबे समय से करता हुआ आया है। जाकिर नायक अपनी स्पीच में, जैसे कि हिंदुस्तान में इसका पीस टीवी चलता था, उसमें काफ़ी हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोलता था, क्रिश्चियन क्रिश्चियन जीजस के बारे में उल्टा सीधा बोलता था, सिखों के गुरुओं के बारे में बोलता था और सब जैनों के बारे में बोलता था, और लास्ट में अपने इस्लाम की तारीफ़ करता था। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पे भी इसका सेम सिस्टम चल रहा है, सेम सिलेबस चल रहा है, बस थोड़े से कपड़े नए हो गए हैं और थोड़ी सी दाढ़ी